नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 2 फरवरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने जारी की पीटी एग्जाम की तारीख। बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार के 18 जिलों में भू सर्वे की हलचल हुई तेज। नकल करते पकड़े गए बच्चों को नहीं मिलेगी दोबारा परीक्षा देने की अनुमति। 7 से खुल सकते हैं सभी शिक्षण संस्थान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने जारी की पीटी एग्जाम की तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इस परीक्षा की नई तारीख 30 अप्रैल शनिवार को तय की गई है। आयोग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि 67वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पहले 23 जनवरी 2022 को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि इस परीक्षा में 6 लाख छात्र शामिल होंगे, जिसमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या 1.82 लाख है। आयोग ने इससे पहले बीपीएससी 67वीं को लेकर 5 बार पदों की संख्या में इजाफा भी किया है। बता दें कि पिछले ही साल दिसंबर महीने में 4 पदों का इजाफा हुआ था। ऐसे में अब कुल पदों की संख्या 798 हो गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 65 और कारा अधीक्षक के 3 पद भी बढ़ाए गए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरुण कमल की। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न और काव्यात्मक शैली के ख्यात कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं और लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलाने वाली साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। अरुण कमल का वास्तविक नाम अरुण कुमार है। साहित्यिक लेखन के लिए उन्होंने अरुण कमल नाम अपनाया और यही नाम उनकी स्वाभाविक पहचान बन गया। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से वो पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। फरवरी महीने के शुरुआत के साथ ही बीते दिन बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ही कुल मिलाकर 6 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं सप्तदश बिहार विधानसभा के पंचम सत्र और बिहार विधान परिषद के 200वें सत्र बजट सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई। इसकी शुरुआत 25 फरवरी से होने वाली है। इसके साथ ही बिहार मोटर वाहन अधिनियम के कारा रोपण के लिए निर्माण उपकरण वाहन एवं इस कोटी के अन्य गैर परिवहन वाहन जो किसी कोटी में आच्छादित नहीं हो, इसको लेकर अंततः स्थापित किया गया है। नव पंजीकृत निर्वाचकों को फ्री ऑफ कॉस्ट इपिक डिलीवरी के लिए पीवीसी इपिक मुद्रण और निर्माण कार्य पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस को बिहार वित्त नियमावली के नियम के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत किया गया है। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से मांगा ब्यौरा। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने नारायणपुर मनहारी पूर्णिया हाईवे निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में एनएचएआई को पूरा ब्यौरा देते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या, पेड़ों की उम्र, इसका पर्यावरण के लिए महत्व और पेड़ों की कटाई से आसपास के पशु पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन करने को लेकर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने के लिए आदेश देने का अनुरोध भी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी 2022 को होगी। ट्रेनिंग में फेल सिपाहियों को दोबारा मिलेगा मौका। बिहार पुलिस ने ट्रेनिंग को लेकर हाल ही में अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसमें बुनियादी प्रशिक्षण में फेल होने वाले सिपाहियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। बिहार पुलिस के ह्यूमन डेवलपमेंट और ट्रेनिंग डिवीजन की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण में फेल हो गए सिपाहियों को ट्रेनिंग पूरा करने का एक और मौका मिलने वाला है। इसको लेकर डिवीजन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर 2 ट्रेनिंग सेंटरों को भी बुलाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें पुरुष के साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी मौका दिया गया है। इस पर सभी जिला को मानव संसाधन विभाग और ट्रेनिंग सेंटरों ने इकाई और विशेष सशस्त्र पुलिस को निर्देश जारी करते हुए पत्र लिख दिया है। 18 जिलों में भू सर्वे की हलचल हुई तेज। बिहार में दूसरे चरण में भूमि के सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है, जिसके बाद ही अब बिहार के बाकी बचे 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त के काम को लेकर हलचल तेज कर दी गई है। इसी को लेकर बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 18 जिलों के स्माहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी को पत्र जारी कर विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम शुरू करने को कहा है। इसको लेकर बिहार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने भी बीते दिन एक पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि राज्य के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम किया जाना है। इसमें ही प्रथम चरण में राज्य के 20 जिलों में यह काम प्रगति पर है, बाकी के जिलों में साल 2022 जनवरी से विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम किया जाना है। अब मुख्यमंत्री
मंत्री के होंगे अतिरिक्त परामर्शी। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का अब अतिरिक्त परामर्शी होने वाला है। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसको लेकर बीते दिन ही बिहार कैबिनेट के सामने प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर ही मुहर लगा दी गई है। यानी कि अब जल्द ही बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी पद के सृजन की स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही सृजन होगा। अब अतिरिक्त परामर्शी के पद पर कौन बैठेगा कौन नहीं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में कई और अहम निर्णय भी लिए गए। कोरोना काल में बिहारियों की आमदनी में हुआ इजाफा। कोरोना महामारी के दौर में जहां एक तरफ दुनिया भर के पैसों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना बड़ी चुनौती रहा, इस महामारी के बाद भी बिहार की अर्थव्यवस्था की रफ्तार देखने को मिली है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस दौरान बिहार के लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि बिहार की प्रति व्यक्ति की आय में इजाफा किया गया है। अगर हम बिहार में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पिछले साल के अंदर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 1221 रुपए बढ़ी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पिछले साल की आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ने की जानकारी दी थी। 7 से खुल सकते हैं सभी शिक्षण संस्थान। कोरोना के मामले में आ रही गिरावट के बीच बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 7 फरवरी से खोलने की तैयारी तेज कर दी गई है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की माने तो कोरोना संक्रमण के मामले में राज्य में कमी देखी गई है और विभाग सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने को तैयार है। उन्होंने इस बाबत कहा है कि इसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। 100% बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति के साथ ये खोले जाएंगे। मंत्री ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था फिर से हाल की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 90% संक्रमित होम आइसोलेशन में 7 दिन में ठीक हो रहे हैं। इस बीच बच्चों में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ी है। फरवरी महीने की कोहरे से हुई शुरुआत, 2 दिन बाद बारिश को लेकर अलर्ट। बीते दिन से फरवरी महीने की शुरुआत हो गई है, वहीं नए महीने की शुरुआत ही कोहरे के साथ हुई। ऐसे में आने वाले समय में बिहारवासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने तो आने वाले दिनों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को भी घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 3 फरवरी से पटना समेत कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। 3 फरवरी को पटना के अलावा शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया, बेगूसराय, लखीसराय, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज के अलग अलग हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट 19 जिलों के लिए है और 4 फरवरी को भी कुछ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस जांच के बाद अब कबाड़ में नष्ट होंगी गाड़ियां। अब जो भी गाड़ियां अपने 15 साल के समय को पूरा कर चुकी है, अब उसे सड़कों से हटाने की तैयारी हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में नष्ट करने से पहले उसकी पुलिस के स्तर पर जांच की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार ये नियम इसीलिए लागू किया गया है क्योंकि आने वाले समय में कोई भी चोरी की गाड़ी को नष्ट ना कर दे। यही कारण है कि अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के दस्तावेज से गाड़ियों के नंबर का मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही गाड़ी मालिकों को सेवा अभी प्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा कि नष्ट होने वाली उनकी अपनी गाड़ी है और भविष्य में अगर कोई मामला सामने आएगा तो उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार ने यह तय किया है कि जो भी गाड़ियां सड़क पर चलने के लायक नहीं है उसे कबाड़ केंद्रों में नष्ट करवाया जाए। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। अगर आप भी होली में ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। होली के त्योहार में अक्सर ऐसा देखा गया है कि यात्रियों की संख्या ट्रेनों में काफी बढ़ जाती है क्योंकि त्योहार के मौसम में लगभग सभी लोग अपने घर परिवार से मिलने जाते हैं। ऐसे में यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने होली में ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियों को जोड़ने का निर्णय लिया है। इसको लेकर ही रेलवे ने ट्रेनों को चिन्हित करना भी शुरू कर दिया, जिसमें लंबी वेटिंग लिस्ट होती है ताकि होली से पहले इन ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाई जा सके। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो इसको लेकर एक निगरानी सेल का गठन कर दिया गया है। बिहार के एक और अधिकारी पर ईओयू का शिकंजा। इन दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार सरकार संलिप्त अधिकारियों को लगातार पकड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के आर्थिक अपराध इकाई के हत्थे एक और पदाधिकारी चढ़ गया है, जिसकी जानकारी इकाई ने खुद ही बीते दिन जारी की है। पत्र के मुताबिक प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीत कुमार पर आय से अधिक संपत्ति धारण करने का आरोप लगा है, जिसके बाद ही इकाई ने संजीत कुमार के सीतामढ़ी के अलावा बीडीओ के पटना स्थित गोपालपुर, बैरिया, अब्दुल्ला चौक आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा पटना के ननौरी, धनरुआ स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की सूचना है। खबर लिखे जाने तक बताया जा रहा था कि बीडीओ के पास 1,26,75,368 रुपए की संपत्ति है, वहीं आय से ज्ञात स्रोतों से 96% ज्यादा है।
बिहार में इस रूट पर चलेगी सौर ऊर्जा वाली ट्रेन। बिहार में एक तरफ जहां बुलेट ट्रेन की पटरियां बिछाने को लेकर काम चल रहा है, तो वहीं अब रेलवे सोलर सिस्टम से ट्रेनों को चलाने को लेकर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी के तहत चलने वाली ट्रेनों को लेकर भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट लगाया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सोलर प्लांट से हावड़ा से वाया पटना दिल्ली रूट पर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार में इस योजना के जमीन चिन्हित करने की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के किनारे खाली पड़े जमीनों में रेलवे और ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट स्थापित करेगा। ये पूरी कार्य निजी कंपनी द्वारा कराई जाएगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि रेलवे इस समय नए नए प्रयोग कर रही है। नकल करते पकड़े गए बच्चों को नहीं मिलेगी दोबारा परीक्षा देने की अनुमति। बिहार बोर्ड की परीक्षाएं बिहार में बीते दिन से शुरू हो गई है। हालांकि बिहार बोर्ड ने तो अपनी तरफ से कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन करवाने का ऐलान किया ही था, लेकिन कई सेंटरों पर चोरी करने वाले छात्रों को पकड़ा गया है। इसके बाद अब ऐसे छात्रों को लेकर बड़ी बात कही गई है। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इंटर परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र निष्कासित होता है तो ऐसे छात्र आगे की किसी भी विषय की परीक्षा नहीं देंगे। हर दिन निष्कासित परीक्षार्थियों का डेटा बोर्ड के पास भेजा जाएगा। कदाचार करते छात्र पकड़े गए तो बिहार परीक्षा संचालन नियमावली 1981 के अनुसार उन्हें 2,000 रुपए जुर्माना या 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। ट्रैफिक पोस्ट से गायब रहने वाले जवानों की बढ़ेगी मुश्किलें। मंगलवार को एसपी ट्रैफिक अनिल कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अब बिना अनुमति के ट्रैफिक पोस्ट से गायब रहने वाले जवानों की खैर नहीं होने वाली है। ऐसे जवानों के खिलाफ तत्काल प्रतिवेदन सेक्टर प्रभारी को देने होंगे। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं करने पर संबंधित जवान के साथ ही सेक्टर प्रभारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर हाल ही में निरीक्षण का काम भी करवाया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ट्रैफिक पोस्ट पर हर दिन तैनात किए जाने वाले जवान ड्यूटी के प्रति मनमानी करते हैं। बिना अनुमति और सूचना के इनमें से तमाम जवान गायब हो जाते हैं, जिसके चलते यातायात को नियंत्रित करने में दिक्कतें उत्पन्न होती है। जाम लगने पर इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। बावजूद इसके सेक्टर प्रभारी द्वारा ऐसे जवानों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं भेजी जाती, अब ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2025 में मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी का सपना रह जाएगा सपना ही। इन दिनों बिहार में उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चाएं तो तेज है ही। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसको लेकर ही बिहार के सभी राजनीतिक दल इन दिनों बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस और राजद में सीटों को लेकर उठे विवाद पर अब कांग्रेस नेता अनिल कुमार शर्मा ने बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अलग हुए तो साल 2025 में मुख्यमंत्री बनने का सपना तेजस्वी छोड़ ही दे। अगर राजद ने विधान परिषद का चुनाव कांग्रेस के बिना लड़ने की अगर वो सोच रही है तो उसकी बड़ी हार होना तय है। अनंत सिंह ने किया दावा, गिरेगी नीतीश सरकार। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह इन दिनों भले ही जेल में हो, लेकिन अपनी बयानबाजियों को उन्होंने जारी रखा हुआ है। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने नीतीश सरकार को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के बाद बिहार में नीतीश की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वो चोर दरवाजे से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इतना ही नहीं, एमपीएमएल कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने बिहार विधान परिषद के चुनाव में कार्तिकेय सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही चुनाव में वीआईपी और हम का नाम नहीं लेने की बात कही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधान परिषद चुनाव में एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सूची में हम और वीआईपी को अलग रखा गया, जिसके बाद से ही दोनों दलों का मनमुटाव भी दिख रहा है। जहां वीआईपी ने तो बगावती रवैया अपना लिया है, वहीं हमने संतोष कर लिया है। एमएलसी चुनाव में जदयू इन उम्मीदवारों के साथ उतर सकती है मैदान में। आगामी एमएलसी चुनाव की आधिकारिक तारीख भले ही अभी जारी नहीं हुई हो, लेकिन सीटों के बंटवारे का काम हो गया है। इसी कड़ी में एमएलसी चुनाव में एनडीए ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बीजेपी ने 10 नाम तय किए हैं। 9 स्थानीय प्राधिकार वाले पूर्व विधान पार्षदों पर ही भाजपा दाव लगाएगी। वहीं जदयू ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं, जिसके तहत औरंगाबाद और सिवान में पेंच फंसा है। वहीं जदयू ने पटना वाल्मीकि सिंह, मुंगेर में सपना सिंह, भोजपुर में राधाचरण सेठ, गया में मनोरमा देवी, नालंदा में रीना यादव, सीतामढ़ी से पंकज पूर्वे या रेखा पूर्वे, मधुबनी में विनोद सिंह, पश्चिमी चंपारण में राजेश राम, नवादा में सलमान रागिब, मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह, वहीं भागलपुर में विजय कुमार सिंह की नाम चर्चा में है। निर्मला सीतारमन ने पेश किया बजट, बिहार को मिली मायूसी। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया, जिससे बिहार वासियों को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन अफसोस बिहार के लिए कल के बजट में कुछ भी खास नहीं रहा। हालांकि इसके बावजूद बीते दिन ससंदेह पेश किए गए बजट को सीएम नीतीश ने जहां सकारात्मक बताया, लेकिन विपक्ष ने बजट को लेकर कई आरोप लगाए हैं। इसको लेकर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस मेक इन इंडिया के तहत वो घोषणाएं करते हैं, उनमें बिहार के लिए कुछ नहीं है, यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए निराश करने वाला है। देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार की ये घोषणाएं सिर्फ जुमला बनकर ही रह गई।
बच्चों को मुफ्त में कराई जाएगी आईआईटी नीट की तैयारी। बिहार समेत देश भर में जल्द ही आईआईटी नीट की परीक्षा होने वाली है। वहीं इस परीक्षा में शामिल होने वाले बिहार के बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत बिहार के लगभग 80 गरीब बच्चों को मुफ्त में आईआईटी और नीट की तैयारी करवाने की योजना बनाई गई है, जिसकी पहल आईपीएस अधिकारी और गृह विभाग के विशेष सचिव आईजी विकास वैभव ने की, जिसके तहत ही प्रथम चरण में पटना और भागलपुर में इसकी व्यवस्था की गई है। पटना में 40 और भागलपुर में 40 बच्चों को हॉस्टल से लेकर खानपान और कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। इसके लिए 27 फरवरी को परीक्षा का आयोजन बिहार में सभी जिलों में होगा। इसमें सफल होने वाले 40-40 बच्चों को इसकी सुविधा दी जाएगी। परीक्षा पास होने के बाद आइए प्रेरित करें बिहार अभियान से जुड़े लोग, सभी बच्चों के घर जाकर उनका सत्यापन भी करेंगे। आम बजट से जदयू नेता नाराज, सीएम नीतीश कुमार ने बताया सकारात्मक। मंगलवार को केंद्रीय आम बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को लेकर के बिहार जदयू में दो अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां इसे सकारात्मक बताया, तो दूसरी तरफ जदयू के दूसरे नेताओं ने इसे बिहार के लिए हितकारी नहीं बताया है। बता दें कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे निराशाजनक बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इस बजट को लेकर लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य। उन्होंने बताया, पिछले 2 साल से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हो रहा है। एक डिजिटल आईडी से लिंक होगा पैन, आधार, संघ ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। आने वाले वक्त में देश के हर नागरिक के पास एक डिजिटल आईडी होगी। ये एक ऐसी आईडी होगी जिसमें आधार से लेकर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पासपोर्ट नंबर आदि एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको आधार, पैन या लाइसेंस के वेरिफिकेशन को लेकर अलग अलग आईडी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नई तकनीक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय इस प्रस्ताव को जल्द सबके सामने लाने वाला है और 27 फरवरी तक लोगों की राय मांगी जा सकती है। 27 फरवरी तक आम लोग इस प्रस्ताव पर सहमति या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सरकार इसी प्रतिक्रिया के आधार पर आईडी स्कीम को आगे बढ़ाएगी। लोगों के सुझाव के आधार पर स्कीम में बदलाव किया जा सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में दीव यानी गोवा, दमन और दीव के पास पुर्तगाल और तुर्की के बीच 1509 में युद्ध हुआ। देश में प्रशासनिक सुधारों के लिए 2 फरवरी साल 1844 में पिट्स नियामक अधिनियम को लागू किया गया। शंभुनाथ पंडित 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने। भारत ने 1952 में मद्रास में पहला टेस्ट क्रिकेट जीता। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1953 में किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना 2 फरवरी साल 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया। भारतीय अभिनेत्री शमिता शेट्टी का जन्म 1979 में हुआ। देश के जाने माने लेखक, कवि और स्तंभकार खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ। 2007 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता विजय अरोड़ा का निधन हुआ था। आज ही के दिन को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और वन अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कप्तानी को लेकर किया बड़ा दावा। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर कप्तानी को लेकर एक बार फिर से बड़ा दावा करते देखे गए। गौतम गंभीर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अब विराट कोहली के लिए कुछ भी नहीं बदला होगा, क्योंकि वो अब किसी भी फॉर्मेट में भारत के कप्तान नहीं है, लेकिन वो एक स्टाइलिश बल्लेबाज की तरह सोच रहे होंगे। कोहली ने इस महीने की शुरुआत में भारत के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ा था। कप्तानी के बारे में पूछे जाने पर गौतम गंभीर ने कहा कि उनके लिए कुछ भी नहीं बदला। पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने स्पोर्ट्स टुडे से बात करते हुए कहा कि जब आप एक बच्चे के रूप में बड़े हो रहे होते हैं, तो आप देश के लिए मैच जीतने की कोशिश करना चाहते हैं और ये सब मायने रखता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है संजीव कुमार भोलू, विकास कुमार सिंह, माही आनंद, चंद्रवीर यादव, विजय खायर, अनंत कुमार, मुकुल कुमार सिंह, संतलाल यादव, राज इंटरनेट, रूपम कुमारी, संजय कुमार, गौतम कुमार, राजीव कुमार, कुमार राहुल, शहीद आलम, नरेश कुमार बिंद, प्रिया यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बीते दिन पेश किए गए बजट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।